कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका बनाना है। एक अचार दोस्तों इसी तरह से मसाला बन जाएगा। ये अचार जो है एक पीस मिर्चा में जैसे है 5-6 पीस काट जाएगा छोटे छोटे गोल गोल में, उस तरह से बनता है दोस्तों। तो हम दोस्तों इस तरह से अचारों की बना के तैयार मिर्चा किए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कैसा लगा, हमारे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं कैसे अचार की मिर्चा हम बनाते हैं। पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिर्चा का अचार बनाना, लाल मिर्चा का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको कुछ कर लिए। यहाँ पे देखिए मिर्ची के लिए हमारा मिर्चा जैसे देख रहे हैं 1.5 किलो है, तो 1.5 किलो मिर्चा के लिए हम देखिए हमने मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर दोबारा मिर्चा भरा जाता है। तो यहाँ पे सरसों में बहुत ज़्यादा कचरा था तो पहले हम इसको डगरा ले रहे हैं। इस तरह से हमारे गाँव पे सीख से पहले डगराया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 kg हमने मसाले मंगाए हैं, खटाई जो है। उसके बाद देख रहे हैं जवाइन है, सॉरी मंगरेल है, ज्वाइन है, जीरा है, यहाँ पे सौंफ है, यहाँ पे देख रहे हैं धनिया, अरे मेथी है, और उसके बाद धनिया यहाँ पे है। तो 200 ग्राम धनिया है यहाँ पे। तो धनिया को पहले सबसे हम खोल ले रहे हैं। देख रहे कि आपको मसाला जैसे तैयार करना है 4 किलो 5 किलो मिर्चा का करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि 1.5 किलो मिर्चा है तो इसके लिए हमको जैसे देखते हैं कि 1/2 kg सरसों चाहिए। और उसके बाद देख रहे हैं 25 ग्राम हमने ज्वाइन लिए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं 25 ग्राम मंगरेल लिए हैं, 50 ग्राम सौंफ है, 25 ग्राम जीरा है, और यहाँ पे देख रहे हैं 50 ग्राम मेथी है। उसके बाद हींग लिए हैं, हींग तो जरूरी रहता है डालने के लिए। यहाँ पे धनिया लिए हैं। तो पहले हम सरसों को डगा ले रहे हैं इस तरह से। तो सरसों ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, करसाने लगता है हमारा जो खटाई है, तो इसलिए हम सरसों हिसाब से डालेंगे। तो 1/2 kg इसमें हम डालेंगे। ज़्यादा मसाला बना रहे हैं क्योंकि 3 किलो मिर्चा का मसाला तैयार कर रहे हैं हम। कि मसाले खटाई वाला बच जाता है तो थोड़ा सा मिर्चा और भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मसाले को, यहाँ पे सरसों को डगरा लिए हैं, तो इसमें हम क्या क्या भूनेंगे आप लोग को दिखा दे रहे हैं। एक बार धनिया डालेंगे यहाँ पे, तो करैया गर्म हो चुका, धनिया हल्का सा भून ले रहे हैं। धनिया भुना गया तो मेथी भी भून लिए हैं, तो मेथी भी निकाल दिए हैं। अब भूनेंगे सौंफ का जीरा को। तो सबसे पहले हम जीरा डालेंगे करिए में। जवाइन मंगरेल जरूरी नहीं रहता है कि इसको भुनिए, आप इसको खड़ा भी डाल सकते हैं ऊपर से, ताकि हल्का सा इसको हम भून देंगे इसी में। भून के निकाल लिए हैं, अब यहीं पर हल्का सा इसको गर्म कर देंगे दोनों मिला के। जैसे देख रहे हैं कि इसमें ठंडा का मौसम है, सरसों हमारा जैसे देखते हैं गाँव भी बोला में हरा गया है दोस्तों, नरम थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। बस सरसों को भूनना नहीं हमको, बस गर्म करना है। धूप हो तो धूप में भी आप फैला सकते हैं इसको थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि सुनहरी मसाला भूनने से हमारा सुनहरी टाइप में आता है, अच्छा लगता है हमारा जो भरा मिर्चा रहता है। तो यहाँ पे खटाई को हम इसमें पलटी कर दे रहे हैं। ये दोस्तों हमारा रेडीमेड खटाई है, जैसे बाहर से है तो वो लोग तो भी घर के बनाते हैं खटाई को। तो यहाँ पे देखिए इस साल हमारा पहला बार जो है कि हमारे यहाँ पे खटाई कीन कर आया है, नहीं तो हमारे घर का खटाई हर साल रहता था। यहाँ पे गैस पे हम इसको बस कर लिया, हमारा गर्म है तो इसको गर्म बस कर रहे हैं। देखिए गैस को बंद किए हैं, बस इसको हम गर्म हल्का सा इसी तरह करिए में डाल दिए जाके अच्छे से पिसा जाता है। तो दोस्तों हम तो सोचे खरबट्टे भी इसको पीसना पड़ेगा, बाकी देख रहे हैं आप लोग मिक्सर हमारा कितना ज्यादा टूट गया है। बाकी तभी दोस्तों इसको हम दबा कर कहें कि देखिए पिसा रहा है इसमें मसाला कि नहीं। बाकी दोस्तों देखिए इसमें पिसा गया मसाला हमारा, हम इसे पीस नहीं रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट के ख़राब हो गया हमारा। देख रहे हैं मिक्सर जो है बिल्कुल पेनी छोड़ दिया है। तो दोस्तों भगवान भी सोचे कि हमको मेहनत ज़्यादा मत करना पड़े, पिसा गया है इसमें। तो कोई भी दोस्तों काम हमारा बिगड़ जाता है तो हम बोलते हैं माता जी बना दीजिए उसको। तो देखिए इतना हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि इससे मसाला हमारा पिसा जाएगा, लेकिन हम बोले माता जी मसाला कैसे हम पीसेंगे पहले, अब हाथ से बहुत ज़्यादा समय लगेगा पीसने के लिए। और साची बाप बोल रहे हमको लेट हो रहा दुकान पे जाने के लिए। बाकी दोस्तों देखिए पिसा गया है इसी से, अब इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसी में डालेंगे दोस्तों सारे जो मसाले हमारा था इसको भी डाल दिए इसमें। अब इसको डालकर अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। अब इसमें जैसे देखते हैं कि हम डालेंगे इसमें नमक, नमक थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ता है इसमें, नमक इसको आप चेक करके डालिएगा। नमक डालने के बाद से इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला। गरम मसाला डालने से दोस्तों इसका खुशबू जो मिर्चा के बहुत काफ़ी अच्छा आता है।
अब इसी में डालेंगे कैशमीरी पाउडर, जाकि इसका कलर जो है मिर्चा का थोड़ा मरकरी जैसे हमारा आएगा। यहीं पर डालेंगे हम हल्दी। आप लोग कहिएगा कि दीदी एक नए तरीके से आप बना रही हैं इसको, ये मार्केट में इसी तरह से बनता है मसाले के जो बनाया जाता है, तो पीला पीला देखने में मिर्चा लगता है हमारा जो है मसाले इसका, देखिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हींग को, इसमें हींग को डाल दिए। तो मसाला दोस्तों, सबसे पहले मसाला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद मसाले मिर्ची आप मंगाइए। तो हम देखिए यहाँ पे अब इसमें डालेंगे तेल को, जाकि मिर्ची में से तेल में मसाले जो रहता है अच्छे से तेल मिक्स हो जाता है इसमें, तो मसाला हमारा वही गिरता नहीं है। तो इसको हाथ से हम दोनों हाथ से मसाले को मिलाएंगे। आप यहीं पे सिरका भी डाल सकते हैं, आपके पास विनेगर हो तो डाल सकते हैं, व्हाइट वाला सिरका भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, बाकी हम सिरका इसमें नहीं मिला रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं हमारी बातें कि आपको खटाई वटाई नहीं डालना चाहिए, तो जैसे भरा मिर्चा हमारे गाँव पर बोला जाता है कि नहीं भरा जाता है जो है घाय रहते हैं, तो जैसे देखिए कुछ लोग हमारे वीडियो में नए होंगे तो उन लोग को नहीं मालूम होगा, हमारे नंद के जैसे देखते थे 9 मई को शादी था, तो मम्मी हमारी नहीं थी तो हमें कोई अयघाया पड़ना था, तो हम अयघाया थे पहले, तो दोस्तों हम भरेंगे नहीं कोई भी। दोस्तों देखिए बाहरी लोग को बोलेंगे आप काम करने के लिए कोई भी मर्ची भरने के लिए उतने भरवा देते हैं दोस्तों, उतने ही बहुत रहता है हमारे लिए। तो मसाले यहाँ पे सारे तैयार कर देना है, तो दादी लोग दो हैं तो उन्हीं लोग से भरवाएंगे हम मिर्ची को, यहाँ पे मसाले तैयार करके उसके बाद जो भरेंगे वो लोग हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा काफी अच्छे से तैयार हो चुका है। यहाँ पे जैसे देखे हैं कि आप लोग मसाला तैयार किए हैं तो आप लोग को दिखाए हैं वीडियो, जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि मिर्चा का आप लोग रेसिपी कह रहे थे, विवाह भी आप शेयर करिए मिर्चा का खटाई कैसा बनता है भरा मिर्चा, तो हमारे गांव देहात में दोस्तों कैसे बनता है आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को अच्छे अच्छे जानकारी मिलेगा इसमें। आज साल भर तक दोस्तों आप लोग का भरा मिर्चा खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो मसाला का दोस्तों जानकारी रहता है कि छोटे छोटे टिप्स आप लोग इसका तैयार करेंगे तो बिल्कुल आप लोग का मार्केट जैसे भरा मिर्चा बन के तैयार होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1.5 किलो भरा मिर्चा लिए हैं। तो भरा मिर्चा दोस्तों देखिए यहाँ पे दादी जी भर रही हैं, तो दोस्तों इन लोग को हाथ से जो मिर्चा भराता है तो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, हम लोग दोस्तों जो भरा मिर्चा भरते हैं तो थोड़ा सा भर देते हैं, उसके बाद नीचे तक हम लोग नहीं भर पाते हैं अच्छे से, हम लोग बहुत नरम मिर्चा भरते हैं। तो मिर्चा का एक खास जानकारी रहता है कि मिर्चे के पूरे नीचे तक मसाला को जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए दादी जी भर रही हैं तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं एक बार। तो दोस्तों जैसे देख रहे थे हम अयघाए थे दोस्तों, नंद के बाद शादी था तो हम लोग को भरा मिर्चा नहीं भरना है, तो इसलिए दादी हैं, एक दादी को और बुलाएं दोस्तों वो भी आएंगी तो भरेंगी, तो हमारी सास लगती हैं उस तरह बगल की मम्मी हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भरा गया है, तो इसको इसी तरह से देखिए यहाँ हम लोग का बांस का दौरी रहता है, बांस के दौरी को दोस्तों अच्छे से हमने धो दिए थे, धो के इसको सुखवा लिए हैं, तो इस तरह से करके हम लोग रखते हैं इसके मिर्ची को, तो इस तरह से मिर्ची रखाएगा दोस्तों ये। तो देखिए यहाँ पे मम्मी भर रही है, तो पूरी मिर्ची को जैसे देखते हैं हम लोग को ये लकड़ी रहता है दोस्तों, आप लोग लोहे से भी भरते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं हम लोग को जो रहर रहता है दोस्तों, दाल वाला रहर होता है, तो उसकी दोस्तों लकड़ी रहता है, लकड़ी टाइट होना, हाँ लकड़ी दोस्तों टाइट होना चाहिए, दादी जी बोल रहे लकड़ी टाइट होना चाहिए। और देखिए कितने काफ़ी अच्छे से भर रहे हैं पूरा दबा दबा के। तो छोटी छोटी जानकारी दोस्तों आप लोग को हम लोग नहीं दे पाते हैं, बाकी दादी लोग दे देती हैं आप लोग को जानकारी। तो देखिए जब भरा गया मिर्चा फिर ऊपर से भी इस तरह से दबा रही हैं, और आप लोग दोस्तों जो बीच में फाड़ के भरते हैं मसाले को, तो दोस्तों वो मसाले जो रहता है बाद में गिरने लगता है, बाकी ये मसाले दोस्तों कितने दिन तक रहेगा गिरेगा नहीं जल्दी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भरा रहा है मिर्चा, तो सारे मिर्चा दोस्तों भरा जा रहा है, फिर आप लोग से हम मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि मिर्चा भरा रहा है, हमारा तबीयत भी खराब हो गया, बुखार हो गया है, तो इस समय जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इतने सारे मिर्चा जैसे 2 दिन लग गया है, क्योंकि दादी जो मम्मी थी बगल की वो 2 दिन में मिर्चा भर के तैयार किए हैं, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटा भर रही थी उसके बाद अपने घर चली जा रही थी, तो 2 दिन में मिर्चा भर ली है, 2 दिन हो गया देखिए, फिर यहाँ पर रख दी है मिर्चा को, ये बहुत अच्छे से मिर्चा भर के तैयार किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा खटाई भर बच गया है, ये खटाई में अभी 1 किलो मिर्चा रहेगा तो भरा जाएगा, तो फिर बाद में मंगा के भर लेंगे, इसको एक साइड में रख दे रहे हैं। तो अब मिर्चा यहाँ पे देखिए भरा तैयार हो गया है। तो वीडियो आज का कैसा आप लोग को लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।